भिवानी के शांति नगर में सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच 3 नकाबपोश युवकों ने एक कथावाचक के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर घर में लूटपाट की। यही नहीं, कथावाचक की पत्नी का भी गला दबा दिया और मृत समझकर छोड़कर भाग गए। घटना की जानकारी के बाद कथावाचक तेजपाल शास्त्री को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसमें ऐसे है जी, आज हमें सूचना मिली हुई शांति नगर गली नंबर 15 में तेजपाल का मकान है और वहाँ किसी ने घर में घुसकर उनके चोट मारकर चोरी की वगैरह वारदात की सूचना मिली थी, जिस पर हम स्टाफ सहित वहाँ मौके पर पहुँचे। वहाँ पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और मशीन ऑफ क्राइम टीम है, उनको हमने बुलाया है। उसके बाद मजरूह का जो पीड़ित एडमिट हुआ है और उसके बयान अंकित किए गए हैं, इनके लिए अलग अलग हमने टीम बना दी गई है। आरोपियों को शीघ्र ही हम जल्द से जल्द अरेस्ट करकर जो चोरी से अपराध है उसको हम। सर, किस टाइम की घटना है ये? घटना 3 और 4 बजे के आसपास की बता रहे हैं जी। इसमें कितने लोग घायल किए गए हैं, लगभग डैमेज? इसमें पीड़ित एक हुए हैं, इनकी जो पत्नी है कविता, उनको भी वो कह रही है मेरे भी गला गला दबाने का ऐसी कुछ बात कर रहे हैं। 3 से 3:30 के करीब जैसे वो अंदर घुसे, शटर का नीचे से दरवाज़ा खोल के पहले वो अंदर के रूम में गए हैं और फिर उन्होंने चोरी करी है। जैसे जो भी है सारा सामान खिड़ाया है, जो मिला है वो उन्होंने लिया है। फिर बाद में उन्होंने मेरे पति पे अटैक करा, खूब सारे डंडे मारे हैं और मेरी गला घीटा है। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे और 20 से 25 के करीब उनकी उम्र। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।